बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई का प्रोग्राम, तुम कौन हो? मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है। अली, मैंने जब फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में ये आइटम किया लियाकत हॉल में, तो मैंने ये आइटम देखा था, मुझे उस वक्त ही बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद से लेकर अब तक 100 times ऑलमोस्ट आई हैव सीन दिस प्रोग्राम, और जब भी देखा मुझे नया और अच्छा लगा। और इस वक्त इस आइटम की हमारे मुल्क को, हमारे माशरे को इसकी बहुत जरूरत है। मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करना चाहता हूँ कि अली भाई को इजाजत दी जाए और उनका ये आइटम तमाम टीवी चैनल से पेश किया जाए। और मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि हफ्ते में एक बार हर टीवी चैनल से अगर ये प्रोग्राम अगर नशर हो, तो इंशाल्लाह ताला जो हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, नफरतें हैं, ये तमाम खत्म हो जाएंगी और हमें फिर से वही प्यार और वही जज्बा हो जाएगा जो 1947 में था। तुम कौन हो? हम सब पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। अली जैब भाई का ड्रामा तुम कौन हो देखने का मौका मिला। आप यकीन करें, मैं एक वकील होने के साथ एक उस्ताद हूँ और 16-17 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अली जैब भाई ने वो कर दिखाया जो मैं 16-17 साल तक न कर सका। इस मुल्क को दहशतगर्दी से निकालने के लिए अली जैब भाई ने जो पैगाम दिया है, इल्म के लिए, तालीम के लिए, हम 16-17 साल बच्चों को पढ़ाते रहे, हम वो पैगाम डिलीवर ना कर सके जो अली भाई जैब ने आधे घंटे में डिलीवर कर दिया। मेरे तमाम दोस्तों से, स्कूलर्स हजरात से गुजारिश होगी कि तमाम दोस्त अपने अपने स्कूलों में इतना प्यारा ड्रामा कि जिसमें इतना पावरफुल मैसेज है, वो जरूर करवाएं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारी माओं को, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को समझ आए कि हम कौन हैं, तुम कौन हो। ये एक पैगाम है अली जैब भाई की तरफ से पूरे पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज आशिक। तुम कौन हो? मुझे फख्र है कि मैं इस ड्रामे की मेकअप आर्टिस्ट हूँ जिसे तहरीर और हदायत दी अली जैब ने। तुम कौन हो? ये एक ड्रामा नहीं बल्कि एक सवाल है इन लोगों से जो फिका परस्ती, कौम परस्ती और सुबाई तासु का शिकार है। यही पैगाम है इस ड्रामे का, तुम कौन हो, कि हमारी कौम को मुतहिद होना चाहिए और जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है वहाँ वहाँ इस ड्रामे को दिखाया जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसन अज़हर बुखारी फ्रॉम विद इन एजुकेशन हाउस ऑफ बिल्डिंग। और इस प्ले के हवाले से बात हो रही है और इस प्ले के मैसेज के हवाले से बात हो रही है। इस प्ले को पर्सनली जो है ज़ाती तौर पर मैंने खुद देखा है, हमारे जो हेड हैं उन्होंने देखा है, और हमारी इसके बारे में जो राय है उसमें कोई किसी किस्म का कोई तजाद नहीं है किसी भी हवाले से, कि इस प्ले के अंदर अली भाई ने जो अपनी एक स्ट्रगल की, उनकी टीम ने जो मेहनत की और जो मैसेज कन्वे करवाने की कोशिश की है और पूरे दुनिया में लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि जो जितने पाकिस्तानी हैं, हम जितने मुसलमान हैं, हम सारे के सारे अमन पसंद हैं। तो इस प्ले को मेरा ख्याल है कि जितने भी इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर, मैं बल्कि ये कहूँगा ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तान के स्कूल की ब्रांचेज हैं, फेडरल की हैं, इसके अलावा जहां पर भी पाकिस्तान की अप्रोच है जिन जिन ममालिक के अंदर, वहां पर इसको प्ले किया जाए ताकि मैसेज ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को कन्वे करवा सकें हम कि पाकिस्तान के लोग अमन पसंद हैं, प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, इज्जत करने वाले और करवाने वाले लोग हैं। अभी जो एकदम पहले प्ले को तुम कौन हो जिसको अली जैब साहब ने तहरीर किया, हदायत की सब कुछ उसी की थी, तो इतना जबरदस्त ये प्ले था मेरी नजर में। उसमें एक ऐसा मैसेज था जिसकी अब हमारी कौम को अब एक इंतहाई जरूरत है। मैं कहूंगा कि ये आल पाकिस्तान के जितने हेड्स हैं कि वो भी इस प्ले को अपने अदारों में चलाएं, दिखाएं, ताकि ये जो एक मैसेज है इसके अंदर, प्ले के अंदर, कि वो बच्चे जो हैं एक सारी बात अब इंटरेस्ट लेते हैं इन चीजों में, जब वो देखेंगे उनको एक बहुत अच्छा तासीर मिलेगा, उनमें एक ये प्यार, मोहब्बत, यूनिटी का जो जज्बा है उनके अंदर ये पैदा होगा। तो मेरी एक बार फिर रिक्वेस्ट है आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन में ऐसे कि आप इस प्ले को जल्द से जल्द अपने अदारों में एक बार जरूर कराएं। मैं एजुकेशन लीकर्स के स्टाफ की तरफ से और अपने न्यू एजुकेशन स्कूल सिस्टम के इंसानों की तरफ से अली जैब साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने तुम कौन हो कि एटम को
چار صوبوں کی یکجہتی اور چار صوبوں کو یکجا کرنے میں معاملہ دی. میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام ہمارا آن لائن ٹی وی پر اور پوری دنیا کے سامنے لایا جائے اور یہ اسکول کالجز میں نمایاں طور پر دکھایا جائے.